हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम 24 को है और आपके पास टाइम नहीं है, अब 21, 22, 23 यानी कि 23 को आप सब निकलेंगे ही, तो जो भी मेरे से हो सका है, मैंने प्रैक्टिस आपको कराया है और ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो मैं बीपीएससी में प्रैक्टिस सेट करवाई हूँ 125-25 क्वेश्चंस का, कम से कम 14-15 प्रैक्टिस सेट, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और जो मैं ये लगातार आपको 10-12 प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ईएमआरएस के लिए, वो भी कर लीजिए। और ये सभी वीडियोस केवल ईएमआरएस बीपीएससी के लिए ही नहीं, जितने भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम हैं सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी वीडियो। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संधियों यानी जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये जोड़ों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्थोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में बांटता है, तो यहां पे अक्ष नहीं होना चाहिए था, प्लेन होना चाहिए था, ठीक है, यानी तल। तो यहां पे अक्ष के स्थान पर प्लेन पढ़िएगा दोस्तों। तो वह प्लेन जो मानव शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में बांटता है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल अक्ष नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक। देखिए, अक्ष और प्लेन दोनों 3 होते हैं, यानी कि जो प्लेन होता है उसे तल कहते हैं हिंदी में, जो अक्ष होता है उसको एक्सिस कहते हैं। तो जो तल यानी प्लेन होता है 3 होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। जो सेजिटल होता है, जिसे लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, सेजिटल प्लेन, और गति जो है आगे पीछे होती है। जस्ट आप समझिएगा, दाएं बाएं भागों में बांट रहा है सेजिटल प्लेन, तो गति कहाँ होगी? आगे पीछे, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट होगा। अब खेलों में जैसे रनिंग, जंपिंग, स्विमर सॉल्ट, ये सब होगा। एंड फ्रंटल प्लेन जो होता है दूसरा, उसको क्रोनल या एंटेरियर पोस्टेरियर प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे बांटता है और इसकी गति जो है दाएं बाएं होती है, और जैसे कि एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है उसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में बांटता है। सभी रोटेशन एंड एलिवेशन मोमेंट्स जो होते हैं इस प्लेन में होते हैं। जो आपका अक्ष होता है यानी कि एक्सिस, वो भी 3 होता है, फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। जो फ्रंटल एक्सिस होता है वो जस्ट आपका फ्रंटल सेजिटल एक दूसरे से अपोजिट आप मान लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। जो फ्रंटल एक्सिस होता है वह सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो फ्रंटल एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, और सेजिटल एक्सिस जो होता है वह फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसे सेजिटल प्लेन को एक्सिस को एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस भी कहते हैं। तीसरा होता है वर्टिकल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे 2 हिस्सों में बांटता है, तो यहां भी अक्ष नहीं, तल होना चाहिए यानी प्लेन होना चाहिए। तो वह तल यानी प्लेन जो मानव शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रंटल प्लेन। यहां पे फ्रंटल एक्सिस नहीं होना चाहिए, अक्ष नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है आपको, हाँ, एग्जाम में भी इस तरह आएगा तो आप आंसर इसी तरह देंगे, क्योंकि एग्जाम में उठपटांग शब्द का गलती कर देता है, फिर आंसर की में सुधार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है, तो कैसा होता है दोस्तों? जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है, हमारे रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है, ठीक, 7.35 से 7.45 तक होता है। तो आपको पता है कि अगर 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, 7 से कम रहेगा पीएच मान तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो क्षारीय होगा। तो 7.35 है रक्त का पीएच मान, इसका मतलब क्या है? रक्त कैसा है? क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है। दोस्तों मैं आपको तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ाई हूँ कि जो हमारी सभी भावनाओं का केंद्र है वह कौन है। तो सभी भावनाओं का केंद्र है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इन्हें हमारे ताप को नियंत्रण करता है एंड प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सेक्स यानी सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? ताप नियंत्रण का कौन करता है मानव शरीर में? तो हाइपोथैलेमस करता है और सभी प्रकार की भावनाओं को नियंत्रण करता है। ताप नियंत्रण केंद्र है, हार्मोन पर नियंत्रण करता है, जल संतुलन का नियंत्रण केंद्र है हाइपोथैलेमस, भूख प्यास लगने का केंद्र है हाइपोथैलेमस तथा कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय जैसे कार्य करने का भी केंद्र है आपका हाइपोथैलेमस। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, दो द्विखंडी यानी टू डायमेंशनल चरों के मध्य सहसंबंध निकालने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी है। इस सांख्यिकी से 4-5 क्वेश्चन है तो आपकी एग्जाम में ज़्यादा तो आता नहीं है सांख्यिकी के क्वेश्चंस, इसलिए यहाँ पे दे दिया है तो हम आपको करा देते हैं। तो ज़्यादातर पीजीटी वगैरह में पूछता है, टीजीटी वगैरह नहीं पूछता है, तो जो भी पीजीटी के देख रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो दो द्विखंडी यानी कि टू डायमेंशनल चरों के मध्य सहसंबंध निकालने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुष्कोष्टिक सहसंबंध यानी कि क्वाड्रेटिक कोरिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्य परिकल्पना हुआ होती है जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल द्विपुच्छ परीक्षण द्वारा परीक्षित होती है, वही शून्य परिकल्पना होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चरों का नियंत्रण किया जाता है, तो चरों का नियंत्रण क्षैतिज अध्ययन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्राचलिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? तो अप्राचलिक परीक्षण जो है वर्णन एवं अनुमान के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द साहचर यानी वर्ल्ड एसोसिएशन कौन सा परीक्षण है? तो यह है आपका स्मृति परीक्षण यानी कि मेमोरी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष गाया गया था? दोस्तों तो 1948 लंदन ओलंपिक में गाया गया था, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है कि मीसोमोर्फिक यानी मध्यम गठित शरीर की विशेषता क्या है? दोस्तों तो सेल्डन ने सोमेटोटाइप के आधार पर, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर तीन भागों में बांटा है, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एक्टोमोर्फ। एंडोमोर्फ को साइक्लोमेटिक यानी गोल काय कहा जाता है, मेसोमोर्फ को मांसपेशी प्रधान मजबूत बॉडी कहा जाता है एंड एक्टोमोर्फ को अस्थि प्रधान यानी वसा रहित शरीर, दुबला पतला शरीर में बांटा है। तो सभी की विशेषताएं मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो दोस्तों मीसोमोर्फ यानी मध्यम गठित यानी मांसपेशी मसल्स प्रधान मजबूत शरीर होता है, ताकतवान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, मांसलता एवं ताकत। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृशकाय आकार है यानी एक्टोमोर्फिक कृशकाय जो अस्थि प्रधान होता है और वसा रहित। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय आप मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित उत्तक, तो एक शब्द यहाँ पे वसा रहित शब्द लगा दिया है यानी दुबला पतला शरीर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि किसी भी खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा के लिए निम्न में से किसका विचार किया जाता है? तो दोस्तों उसको भार और कद का विचार किया जाता है, बीएमआई माप किया जाता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स में देखा जाता है कि जो आपका जो भार है वो लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा ज्ञात किया जाता है जिसका सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन वेट इन केजी अपॉन जो लंबाई होती है वो मीटर में होती है। ठीक है, लेंथ इन मीटर स्क्वायर। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, एंडोमोर्फ की पहचान है, तो एंडोमोर्फ की पहचान क्या है?
एंडोमोर्फ यानी गोलकाय शरीर, यह मोटा और थुलथुला शरीर वाला होता है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिता पहली बार एस्ट्रोटर्फ यानी कि बनावटी सतह जो घास जैसी दिखाई पड़ती है पर कहाँ आयोजित की गई, बनावटी यानी कृत्रिम सतह, तो यह आयोजित किया गया था कहाँ पे दोस्तों, तो मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस में अल्टियस का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जैसा कि अब एक और शब्द जुड़ गया है आपका कम्युनिटर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछ भी लिया था। तो सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर यानी कि और तेज और ऊंचा और वैशाली एक साथ, ये आपका सीक्वेंस रहेगा, तो कभी आप भूलेंगे नहीं और क्वेश्चन गलती भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सीरियस आरटीएस फोर्टियस और तेज और ऊंचा और बरसाई, तो आरटीएस का क्या अर्थ हो जाएगा? और ऊंचा उच्चतर, ठीक है, गो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीरियस आरटीएस फोर्टियस यानी और तेज दौड़ना ऊंचा उठना और शक्ति भरपूर प्रयास करना वाक्य किसने दिया था दोस्तों? यह हेनरी डिरान ने दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज होता है किसकी कमी से होता है? तो आप सबको पता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और हमारे जो शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन परिवर्तित नहीं हो पाता है और रक्त में ज्यादा इंसुलिन हाइड्रो ग्लूकोज जाने लगता है यानी शर्करा होने लगता है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को हम डायबिटीज कहते हैं, ठीक है, इसी को डायबिटीज कहते हैं। तो रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन की कमी और रक्त में शर्करा की ज्यादा मात्रा होना उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और इंसुलिन की मात्रा ज्यादा और रक्त में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा, उस कंडीशन में रक्त में जो है शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी। जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो दोनों को आप याद रखिएगा, हाइपर मतलब ज्यादा, रक्त में शर्करा की मात्रा ज्यादा हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो गई हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 20 है व्यायाम किसके वजन में वृद्धि कर लाता है? तो दोस्तों यह एड्रिनल में ग्रंथि में वृद्धि लाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है किन रक्त कोशिकाओं में नाभिक केंद्र नहीं होता है? दोस्तों यानी केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आप सबको पता है कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे नाभिक नहीं होता है और लाइसोसोम भी नहीं होता है जो कोशिका को सफाई के काम करता है, जिसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, एटम बम भी बोला जाता है लाइसोसोम को, जो इसलिए लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जाकर के प्लीहा में मरती है, इसीलिए प्लीहा को स्प्लीन को रक्त का आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है? दोस्तों ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा गया है, बाह्य स्त्रावी, अंतः स्त्रावी और मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि बाह्य स्त्रावी अंतः स्त्रावी जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जिसमें नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है, डायरेक्ट रक्त में छोड़ती है। अंतः स्त्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन स्त्रावित करते हैं, और बहिस्त्रावी ग्रंथियां जिसमें नलिका युक्त होती है और इसे इसका ब्लड से संपर्क नहीं होता है और यह एंजाइम स्त्रावित करती है वाह स्त्रावी ग्रंथियां, और मिक्स्ड ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्त्रावित होते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड में आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियाज ही है एक बस, एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये तीनों के तीनों हार्मोन स्त्रावित करते हैं यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतः स्त्रावी ग्रंथि है, जबकि लार ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, ये वाह स्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और लार ग्रंथि से जी हमारे तीन जोड़ी दोनों तरफ लार ग्रंथियां होती है मुख में, जो टैलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम का स्त्रावित करता है, और टैलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो लाइसोजाइम होता है बाहर से आने वाले भोजन के साथ जो कीटाणु होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको खत्म करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है
निम्न से कौन संयोजक ऊतक का उदाहरण है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है? तो दोस्तों हमारा जो बोन है, कार्टिलेज यानी उपास्थु है, उपास्थि है, टेंडन है, ये सभी जो है कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, माइक्रोचक्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों माइक्रोचक्र का दूसरा नाम साप्ताहिक चक्र है। जैसा कि आपको पता है ट्रेनिंग साइकिल तीन है, माइक्रोचक्र, मेजोचक्र, माइक्रोचक्र। माइक्रोचक्र को ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, या सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल है जो 3 से 12 महीना 1 साल का होता है। एंड जो दूसरा होता है मेजोचक्र, जिसे तैयारी काल भी कहते हैं, मासिक ट्रेनिंग चक्र भी इसको बोला जाता है, या अवसन चक्र भी बोलते हैं, जो 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का होता है, दिन में कहें तो 30 से 45 दिन का, ठीक है, इसलिए इसको मध्यम समय या अवस्थन चक्र कहा जाता है। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना भी कहते हैं, साप्ताहिक साइकिल भी कहते हैं, जो सबसे छोटा चक्र होता है, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहते हैं? अभी मैं जस्ट बताई हूँ सूक्ष्म अवधि चक्र किसे कहते हैं, तो कहा जाता है माइक्रो चक्र को ही, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रोचक्र योजना किस सन में स्थापित हुई थी? दोस्तों इसको पता नहीं है, या तीनों आपका राइट नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खेल प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है, यह कथन किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत वाले वीडियो में आप जाइए, सभी प्रकार के आप देख लेंगे, तो यह जो बात कहा गया है ये परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत से रिलेटेड करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना होता है, यह कथन किस सिद्धांत का है? तो दोस्तों यह कथन है आपका परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत से ए भी है, ठीक है, परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत से ए भी है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्न में से कौन विषम है? एचिलीज टेंडनाइटिस, जो हमारे जो एडी के पास एचिलीज टेंडन होती है उसमें जो चोट आ जाता है तो उसको एचिलीज टेंडनाइटिस कहते हैं। स्प्रेन जो है, यानी कि जो स्प्रेन यानी कि जो मोच होता है वो हमारे लिगामेंट में खिंचाव के कारण होता है। स्ट्रेन जो है वो जैसे खिंचाव होता है तो मांसपेशीय टेंडन के खिंचाव से होता है। तो ये तीनों सेम है, बट स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है ये फ्रैक्चर के अंतर्गत आता है, जबकि ये तीनों आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध किससे है? दोस्तों तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो हमारा स्पाइनल कार्ड करता है, तो स्पाइनल कार्ड से है प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कि आग में हाथ डालते ही तुरंत हट जाना, सांप को देखकर एकाएक पीछे हट जाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, अपने आप होता है, इसको जो है नियंत्रित करता है स्पाइनल कार्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है, लंबे समय की गठिया के व्यायाम तथा मालिश का सुझाव भारत, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि लंबे समय के गठिया में व्यायाम तथा मालिश का सुझाव भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है? आयुर्वेद में, ठीक है। यह गठिया के व्यायाम, गठिया के इलाज में व्यायाम तथा मालिश का सुझाव भारत के किस पुरातन ग्रंथ में मिलता है? तो आयुर्वेद में मिलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश के द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायामों को भी करने को सुझाव देते थे, तो वो कौन थे? तो वे थे आपको हिप्पोक्रेटस, जिसको चिकित्सा विज्ञान का पितामह को भी कहा जाता है, यूनान के थे। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की रुचि गति विज्ञान के विषय के प्रति थी, तो दोस्तों आपको पता है कि यह यूनान में थी और यह गति विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से किसको गति विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को किनेसियोलॉजी यानी गति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक निम्न द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी पुस्तक लिखे हैं आपके अरस्तु जी, ठीक है, ये भी पुस्तक कौन लिखा है? अरस्तु ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था, कौन ऐसा चिकित्सक था जो बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था? तो वो था आपका हेरोडिकस, कौन था? हेरोडिकस।
क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो आप सबको पता है ये बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। एंड ये भी याद रखिएगा कि भ्रूणावस्था में जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन का संवहन का काम करता है कौन, आरबीसी, ठीक है। ऑक्सीजन का संवहन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों यह रोगों से बचाव करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। याद रखिएगा यानी कि रोगों से बचाव आए, संक्रमण से बचाव आए, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है, तो ये श्वेत रक्त कणिका आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों छोटी आंत की लंबाई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 6.5 मीटर होता है, और 6.5 मीटर को फुट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 22 फीट। यहाँ पे 22 फीट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड रेनिन नामक रस भोजन में विलय होते हैं। तो कहाँ पे भोजन में विलय होते हैं दोस्तों, तो आमाशय में। आमाशय में जो होता है जठर ग्रंथि, जिसे आपका पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्थापित होता है, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है एक बहुत ही जलता हुआ पदार्थ है, अम्ल की तरह है, जो भोजन को मथ देता है। और रेनिन जो है दूध के पाचन में सहायक करता है, एंड पेप्सिन जो है प्रोटीन को पाचन में सहायक करता है, प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। एंड जो आपका पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो पित्त रस के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है, ठीक। ये चीज आपका पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज, 3 एंजाइम स्थापित होता है आमाशय के जठर रस से यानी कि स्टोमच से, पेट से। एंड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो कीटाणुओं को, जीवाणुओं को, जो भी खराब पदार्थ आते हैं भोजन के साथ, उन सबको नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो जो पित्त रस यानी कि बाइल जूस होता है, इसका निर्माण होता है यकृत में, और स्टोर होता है पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में, और यह कार्य वसा के पाचन करता है, और वसा में घुलनशील विटामिन को अवजर्व करके शरीर के समस्त कोशिकाओं में पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है यकृत का भार कितना होता है दोस्तों। तो 1.5 kg होता है, ठीक है, 1.5 kg। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है दोस्तों। तो 12 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट में, और जबकि जब वो एक्सरसाइज करता है तो वह 40 से 50 बार सांस लेता है जल्दी जल्दी, और जब एक प्रशिक्षित खिलाड़ी होता है वो 8 से 10 बार आराम से सांस लेता है, जिससे जल्दी वो नहीं थकता है। याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट को। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है कि मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं कितनी जोड़े होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वह 3 भागों में बटा है, CNS, PNS, ANS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जिसमें से हमारे दिमाग से यानी मस्तिष्क से, जिसे कॉर्निथल नाड़ी कहते हैं, जिसमें 12 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं। इस प्रकार 43 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं। और ANS जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कितनी होती है, कॉर्निथल नाड़ी 12, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है कि मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं 31 जोड़े होती हैं, ठीक है, 31 होती हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों। 1450 ग्राम होता है, यहाँ पे 1450 ग्राम दिया नहीं है, तो यहाँ पे ओंस में दिया है, तो ओंस में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 ओंस, ठीक है, 49 ओंस। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक मिला था। तो वो है आपका इंदिरा गांधी को मिला था सबसे पहले भारत में ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर
49 है दोस्तों, बीएमआई क्या मापता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या मापता है। तो दोस्तों यह शरीर की वसा को मापता है कि आपका जो लंबाई है वह आपके आपका जो वजन है आपकी लंबाई के हिसाब से ठीक है या नहीं। तो दोस्तों इससे हमको पता लगता है कि आपका जो शरीर है, जैसे कि 18 से 22 के बीच में आपका बीएमआई आ रहा है तो आप गुड है यानी सही है, और 18 से कम है तो अंडर वेट है यानी कि दुबले पतले हैं, और 22 से या 23 से ज्यादा है तो आपका ओबेसिटी में आपका मतलब धीरे धीरे मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपका 30 से ज्यादा हो जाएगा तो आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब कि वसा को भी मापता है यानी कि शरीर की वसा को मापता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेट बी में मतलब कि क्वेश्चन आपको बीपीएससी में आया था कि शरीर निम्न में से कौन सी शरीर में वसा का आकलन करने की तकनीक नहीं है। तो इसमें तीन ऑप्शन दिया था, हाइड्रोस्टेटिक वजन और त्वचा की तरह यानी कि स्किन फोल्ड कैलिपर और बॉडी मास इंडेक्स, जबकि दोस्तों वहां पे गलत आंसर दे दिया है लेकिन बीपीएससी ने उसको सुधार नहीं किया। वहां पे आंसर दिया है बॉडी मास इंडेक्स, जबकि आप यहाँ पे देखिए शरीर की वसा आपने हमेशा पढ़ा होगा कि बीएमआई क्या मापता है, बीएमआई क्या मापता है, ये पढ़ते पढ़ते आप लोग थक गए हैं शरीर की वसा मापता है। लेकिन उसके टेक्निकली आप से देखें तो आप एक आपकी जो वजन है लंबाई के हिसाब से ठीक है या नहीं, तो एक प्रकार से शरीर की वसा को मापता है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक वजन ये भी मापता है, त्वचा की जो स्किन फोल्ड कैलिपर है वो भी मापता है, बॉडी मास इंडेक्स ये भी मापता है। तो इसमें तो क्वेश्चन का आंसर वो बीएमआई दिया है, ठीक है, तो गलत दिया है, बट अब आयोग जो मान लिया है मान लिया है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएगा बीएमआई क्या मापता है, तो वसा शरीर की वसा को ही मापता है, तो स्किन फोल्ड कैलिपर भी क्या मापता है, शरीर की वसा को ही मापता है, ठीक है। एंड एक बात, हम हाइड्रोस्टेटिक जो वजन होता है, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग मेथड, ये क्या होता है कि हाइड्रोस्टेटिक में इस मेथड में पानी का प्रयोग किया जाता है, पहले शरीर के भार को मापा जाता है, उसके पश्चात शरीर को पानी में डुबोया जाता है, फिर जितना पानी शरीर के डूबने के कारण बाहर निकलता है उसे संबंधित सूत्र में रखकर बॉडी कंपोजिशन की गणना की जाती है, ठीक है। तो बॉडी कंपोजिशन गणना की जाती है हाइड्रोस्टेटिक वजन के साथ। तो इस प्रकार का एक प्रकार वो भी वसा का ही वजन आकलन कर रहा है, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं राइट होना चाहिए था, या हाइड्रोस्टेटिक राइट होना चाहिए था, बट वहां पे गलत आंसर दिया है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओसीओजी क्या है। तो दोस्तों ओसीओजी जो है वह ओलंपिक का आयोजन करने वाली मेजबान देश की संस्था है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि 50 में से सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और कुछ नया आपको जानकारी मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।